पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरता दाने दाने नु सर्व कला सतगुरु साहेब की हरे आए हरियाणे नु। दर्शकों हम फेक नहीं यथार्थ दिखाते हैं, क्योंकि यह है ANDC न्यूज। दोस्तों हर गुरु अपने सत्संग में किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ रहा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग की तुलना जब उनसे की जाती है तो पता चलता है कि जितने भी धार्मिक गुरु हैं ANDC न्यूज ने उनकी तह तक जाकर के जड़ तक जाकर के एक खंगाल डाला है कि वास्तव में शास्त्र अनुकूल साधना शास्त्र अनुकूल भक्ति कौन दे रहा है। आज जानते हैं उनके अनुयायियों से कि वास्तविकता क्या है। सूर्य भी अपनी तपस में कोई कमी नहीं छोड़ रहा, तो श्रद्धालु भी सत्संग को सुनने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। बड़ी दूर दराज से लोग सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं। हम अपने कैमरा मैन से कहेंगे वो दृश्य दिखाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन चल रहे हैं, ये मुख्य द्वार मुख्य गेट है। संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी उन्हें बड़ी अच्छी प्रकार से व्यवस्था को संभाल रखा है। दिखाते हैं अंदर का अंदर की जांच जो रिपोर्ट है वो आपको दिखाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने जलराम की यानी पानी की व्यवस्था को संभाल रखा है। जो भी श्रद्धालु भयंकर चढ़ते सूरज की गर्मी में तपस में आता है वो यहाँ से जल प्राप्त करता है। देख सकते हैं माता बहनों ने किस प्रकार से स्टोर को संभाल रखा है। जो भी श्रद्धालु यहाँ से पानी लेना चाहता है पीने के लिए वो प्राप्त कर सकता है। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने जो गेट बना रखा है या एंट्री गेट बना रखा है, जो भी श्रद्धालु आता है उसके पर एक व्यक्ति की यानी पर एक श्रद्धालु की एंट्री की जाती है, जिससे इनके अनुयायियों का कहना है जो भी श्रद्धालु अगले नष्ट सत्संग के लिए सूचित करके जाता है इस नंबर पे, तो वो सत्संग में बढ़ चढ़ के भाग ले सके। नमस्कार सर। सत्साहेब जी, सत्साहेब सर, ये एंट्री क्यों की जा रही है? सत्साहेब ये एंट्री इसलिए की जा रही है कि जब आगे कोई सत्संग जहाँ पर भी होगा कहीं पर भी, तो उसके भक्तों को सभी जो आगंतुक जो भक्तजन है उनको आगाह करा दें या समझा दें उस तरीके से कि उस जगह पे सत्संग हमारा होने जा रहा है। नमस्कार बहन जी। सत्साहेब भैया, क्या नाम है जी आपका? चंचल दासी। चंचल दासी जी, जो एंट्री की जा रही है वो किस उद्देश्य को लेकर के की जा रही है? ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग होता है इनका, इससे अगला सत्संग कहीं पर भी हो तो उससे एंट्री की जाती है, इनका नंबर लेके उन भक्तों पर भक्त बहनों को फोन किया जाता है। धन्यवाद जी। जैसा कि दर्शकों हमने ANDC न्यूज के माध्यम से बताया कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आता है उसकी एंट्री की जाती है, आखिर एंट्री करने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण है कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो भी सत्संग है नेक्स्ट कहीं हो तो उसकी सूचना उसे पहले से दी जा सके, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का कार्य विश्व में शांति फैलाना, विश्व का कल्याण करना है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने दंडवत प्रणाम स्थल बना रखा है। जो भी श्रद्धालु आता है अपने सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी को दंडवत प्रणाम करता है, उसके बाद वो दंडवत प्रणाम करने के बाद सत्संग और प्रांगण में जाकर के भव्यता पूर्वक सत्संग। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने फ्लैक्स स्टोन एवं मालाओं की स्टोन लगा रखी है। देख सकते हो यहाँ श्रद्धालु बैठे हुए हैं जो मालाओं को लेकर के फ्लैक्सों को लेकर के नाना प्रकार के फ्लैक्सों से जड़ स्टोन आपको दिखाई दे रही, बहुत अच्छी तरह से इन्होंने स्टोन को सजा रखा है। आप देख सकते हो यहाँ कुछ फोटोज भी है जो संत रामपाल जी महाराज जी से संबंधित है। हम अपने कैमरा मैन से कहेंगे बुक स्टॉल भी दिखाए, सामने बुक स्टॉल भी दिख रही है। देख सकते हैं बुक स्टॉल यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का बुक स्टॉल लगा रखी है, यहाँ श्रद्धालु बैठे भी हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में उमड़ा जनसेना, आप देख सकते हो। माता बहनों के लिए अलग व्यवस्था बना रखी है, भक्त भाइयों के लिए अलग से व्यवस्था है। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को सुनने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु आए हुए हैं, बड़े ही मंगल तक पूर्वक ये सत्संग को सुन रहे हैं। शास्त्र अनुकूल शास्त्र प्रमाणित भक्ति देने वाले संत रामपाल जी महाराज जी का डंका आज पूरे विश्व में बज रहा है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो भी ज्ञान या जो भक्ति देते वो शास्त्र प्रमाणित एवं शास्त्र नमस्कार सर। सत्साहेब जय बंदी छोड़ दी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष दास। आप कहाँ से आए हुए हो? हम आए हैं ताजगंज ताज नगरी आगरा उत्तर प्रदेश। सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा कब ली? मैंने पहले दीक्षा ली थी 2014 चौथे महीने में। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में फिर कैसे आए? मैं अब नाम मेरा खंडित हो गया था, मैं भूल गया था और कुछ लोगों की बातों में आके और मेरा जो क्या तो भटकाव हो गया था। अब मैं सही रास्ते पे आ गया हूँ, रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनता हूँ, मेरी समझ में आई है पूर्ण परमात्मा श्री रामपाल जी महाराज जी हैं और कबीर देव साहब हैं जो क्या है।
और दुनिया में आए हैं और सब इनके अलावा कोई दुनिया में कोई पूर्ण परमात्मा है नहीं इनके अलावा। और जो भी भक्त हैं सभी लोग आओ और अपना जो क्या है अपना कल्याण कराओ आप जो क्या है।